साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मिसाल पेश करता हूं। सदर परवेज मुशर्रफ का दौर माशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए शानदार था। परवेज मुशर्रफ ने 8 साल में पाकिस्तान की मैशत को 75 बिलियन डॉलर से 170 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया था। उनके दौर में GDP परचेसिंग पावर 270 बिलियन डॉलर से 504 बिलियन डॉलर हो गई थी। फीकस आमदनी 450 डॉलर से 1085 डॉलर हो गई, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन 305 अरब से 990 अरब, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2 बिलियन से 9 बिलियन डॉलर्स, एक्सपोर्ट्स 8 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर्स, स्टॉक एक्सचेंज 5 बिलियन डॉलर्स और 700 पॉइंट से 20 बिलियन डॉलर्स और 5000 पॉइंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 301 मिलियन से 6 बिलियन डॉलर्स और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1.5% से 4.8% हो गई थी। सर परवेज मुशर्रफ से इनसे पहले पाकिस्तान के GDP का 65% हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च होता था, लेकिन मुशर्रफ इसे 27% तक ले आए थे। जबकि पाकिस्तान में गुर्बत 34% से 24% हो गई थी, शराह खानदगी 45% से 53% और पाकिस्तान का तरक्याती बजट 80 अरब रुपए से 550 अरब रुपए हो गया था। गर्ज मुशर्रफ का दौर हर लिहाज से माशी तौर पर आज से हजारों गुना बेहतर था। Let me ask you about the Pakistani army and the ISI, because as you know, there is a great deal of criticism, and the criticism basically takes the form that says the Pakistani army was under your watch given about $10 billion. So the Pakistan in general was given $10 billion, and the criticism goes, you took it, barely said thank you, and what do we see 10 years later? More Talibanization. Al Qaeda is stronger. Mm. Taliban is stronger. Where did the money go, people ask? In Afghanistan, United States has spent $143 billion, I believe. And you are talking to Pakistan, $10 billion for all that we have suffered, and that too, I have to explain to you what it is. Out of this $10 billion, I have said when I was, I think, being interviewed by Wolf Blitzer, $5 billion, half of it, is reimbursement for the services provided by Pakistan. It is not your money, it is our money. So let me say it again, half of it, $5 billion, is our money. We provided services to you, so you are repaying us. So $5 billion gone there. Now we are left with $5 billion. Half of this $5 billion was meant for military, and the other half for social sector, education, health, and all that. So half of it, which was for military, was for, I mean, it is pittance to maintain the helicopters, the air force, the ammunition that is being used to fight all these people. So let's close this chapter of $10 billion. I think it was pittance, may I say, if at all, more needs to be given to Pakistan.
Thank you.
बात कर लें कराची की जी, मैं सब गिना दिए गए, K3 गिना दिया गया, K3 का 100 MGD का प्रोजेक्ट गिना दिया गया, लियारी एक्सप्रेसवे दिया प्रेसिडेंट साहब ने, नॉर्दर्न बाईपास दिया प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने मुझसे पहले नेमतुल्ला साहब जब नाजिम थे, सदर नाजिम थे, उनकी रिक्वेस्ट पे गवर्नर हाउस मीटिंग करके तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट को कहा 29 बिलियन 29 अरब रुपए का तामीरे कराची पैकेज, जिसके बिन वो इनका कारनामा, इन्होंने तमाम स्टील मिल को, KPT को, PIA को, EPZ को सबको बुलाकर टेबल पे जमा किया, बैंक्स को बुलाकर जमा किया और कहा कि कराची के लिए पैकेज बन रहा है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो, अपने अपने पैसे दो, और 29 बिलियन रुपीज का तामीर कराची का पाकिस्तान की तारीख में, कराची की तारीख में पहली दफा वो डेवलपमेंट वर्क का पैकेज तैयार हुआ, जिसमें 6 अरब रुपए बोले जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट दे, 5 अरब रुपए जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे, 6 अरब रुपए जो है वो सिटी गवर्नमेंट दे और बकिया 12 अरब रुपए जो है वो स्टेक होल्डर दें, ये पैकेज तैयार किया और सारी चीजें की। लेकिन बिसाइड ऑल दीज मैं आपको बताऊं कि आप यकीन जानिए, मैं आपको बड़े दिल से ये बात कह रहा हूं, इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है, इनको एक एक प्रोजेक्ट या इनके सामने कोई एक बात कर लो तो बस अपनी जो है वो मुसीबत आपने करवा ली, फिर आप फॉलो अप में जवाब देते रहे, इनको बताते रहे कि फलां प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उसमें अभी तक क्या पोजिशन हो, सारी चीजें, एक एक चीज, एक एक चीज, एक एक गली की खबर इनको है, इनको लियाकताबाद की खबर है, इनको लियारी की खबर है, इनको नाजाबाद की खबर है, इनको इंडस्ट्रियल जोन्स की खबर है, और यही यही वो मोटिवेशन थी, यही वो एनर्जी थी, लेकिन एक मोटिवेशन थी दिल से काम करने की वजह से, लीडरशिप की वजह से, कि पता था कि रात के 2 बजे इनकी कॉल आ रही है गवर्नर साहब के पास कि बताओ फला जगह पे क्या हो रहा है, मुझे, मैं आ रहा हूं फला टाइम पे, इनॉग्रेशन हो सकती है नहीं हो सकती है, ये सारा सेटअप बना हुआ था, ये सारी टीम वर्क थी, जिसकी वजह से एक एक कॉरिडोर, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, K3 की कंप्लीशन, कॉरिडोर 2, सड़कों का जाल, अस्पताल, स्कूल, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, IT टावर, यू नेम इट, हमने 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम की वजह से, इस लीडरशिप की वजह से, इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से, हमने 2 सालों में इस कराची में इतना काम किया कि आप 60 सालों के कामों को कंपेयर नहीं कर सकते, 60 सालों से ज्यादा हमने इन 2 सालों में काम किया।
His greatest success is that he has been able to negotiate tremendous, troubling crisis, which could have really devastated Pakistan's status as a state. Let us give the man the credit. He has done it with great deftness. I would like to be remembered as a very honest man and as a very patriotic man.